हरियाणा 1 सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है, तो वहीं असम जो 25 अगस्त के बाद तय करेगा कि आखिर स्कूल कॉलेज खुले या नहीं, वहीं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल 5 सितंबर के बाद स्कूल खोलने पर विचार। कोरोना वायरस के कारण इसमें कोई शक नहीं है कि छात्रों की पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। लॉकडाउन 1 के साथ ही तमाम स्कूल कॉलेजेस वो बंद हो गए, छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित होनी शुरू हो गई। अब जो भी पढ़ाइयां हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के सहारे हो रहे हैं। अब क्योंकि अनलॉक शुरू हो चुका है, ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, क्या छात्रों को फिर से क्लासरूम में बुलाया जाएगा। सवाल एक ये भी है कि अगर स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो नियम क्या होंगे। देखिए, अनलॉक 1 के बाद से लगातार ये असमंजस की स्थिति बनी हुई रही कि क्या स्कूल कॉलेज खुलेंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल और कॉलेजेस खुलने का विरोध किया, उन्होंने साफ तौर पर मांग की कि अभी स्कूल और कॉलेजेस को नहीं खोलना चाहिए, छात्रों को भी क्लासरूम में नहीं आना चाहिए, वो वर्चुअल क्लासरूम के जरिए ही पढ़ाई करें। ऐसे में कुछ और राज्य भी थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, स्कूल और कॉलेजेस को खोल देना चाहिए क्योंकि छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर वो राज्य कौन कौन से हैं जो स्कूल और कॉलेजेस को खोलने के पक्ष में हैं। हरियाणा 1 सितंबर से स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है, तो वहीं असम जो 25 अगस्त के बाद तय करेगा कि आखिर स्कूल कॉलेज खुले या नहीं, वहीं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल 5 सितंबर के बाद स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जो स्कूल को खोलने की जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि अभी क्लासरूम में छात्र बैठे और वहां से पढ़ाई हो। वो राज्य कौन कौन से हैं हम आपको एक दफा बताते हैं। वो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, बिहार। तो ये वो राज्य हैं जो अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अनलॉक 4 के जो भी नियम कानून आएंगे, जो भी गाइडलाइंस आएगी, उसके बाद ये फिर विचार विमर्श करेंगे, तब जाकर कहीं स्कूल कॉलेज खोलने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू की जा सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। अच्छा, जो राज्य ये कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज खोल देना चाहिए, वो आखिर क्यों कह रहे हैं, ये एक सवाल है। दरअसल दलील ये दी गई है कि कमजोर तबके के छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि ना तो उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप है और ना ही सही इंटरनेट नेटवर्क। तो चलिए, ये तो राज्यों की बात हो गई, लेकिन अगर स्कूल खुलते हैं, अगर अनलॉक 4 में सरकार ये कहती है कि ठीक है स्कूल खोल सकते हैं, तो उसके लिए नियम क्या होंगे? आसान नियम नहीं होंगे, स्कूल को SOPs को फॉलो करना पड़ेगा, जो सख्त गाइडलाइंस होगी उसे जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अब ये जो गाइडलाइन है वो कैसी हो सकती है, ये हम आपको बताते हैं। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जा सकते हैं। शुरुआत के 15 दिनों में क्लास 10th से लेकर 12th तक के क्लास खोल सकते हैं। इसके बाद क्लास 6th से 9th तक के छात्रों को बुलाया जा सकता है। प्री प्राइमरी और प्राइमरी के छात्रों को नहीं बुलाया जाएगा। 5 और 6 घंटे की जगह 2 से 3 घंटे तक की ही पढ़ाई हो सकती है। 2 शिफ्ट में क्लासेस लगाई जा सकती हैं। हर शिफ्ट के बाद सैनिटाइजेशन करना जरूरी हो सकता है। तो एक तरह से ये स्विट्जरलैंड मॉडल है। स्विट्जरलैंड में भी कुछ इसी तरह से स्कूल खोले गए हैं, छात्रों को ऑल्टरनेट डेज पे बुलाया जा रहा है, वहां पर भी नियम काफी सख्त किए गए हैं क्योंकि बात छात्रों की है।